हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, इस तरह के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। महावीर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। ये पूछा गया था मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में। उसके बाद है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर है कल्पना साहित्य लेखन में। ये पूछा गया था स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001 में। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न प्राप्त करने का भी गौरव मिला है? आंसर होगा डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व थल सेना अध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? उत्तर है जनरल A.S. वैद। ये भी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया था। डॉक्टर अल्फ्रेड नोवेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो उत्तर है अर्थशास्त्र। ये CPO 2008 का क्वेश्चन है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? उत्तर है आशापूर्णा देवी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? देविका रानी। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है अर्थशास्त्र। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? उत्तर है साहित्य पत्रकारिता। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है संगीत। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? सही उत्तर है स्वीडन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? सही उत्तर है स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ये पूछा गया था 2012 10+2 के एग्जाम में और 2011 स्टेनोग्राफर परीक्षा में। भारत रत्न पाने वाला संगीतकार कौन था? सुब्बू लक्ष्मी। मेरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे? सही उत्तर है भौतिकी और रसायन। पीसी में प्रयुक्त होने वाले एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट प्रौद्योगिकी विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चैक किल्बी। सही उत्तर है चैक किल्वी। वर्ष 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सही उत्तर है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? सही उत्तर है जी शंकर कुरूप। विश्व सुंदरी पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? उत्तर है रीता फारिया। विश्व सुंदरी पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? उत्तर है रीता फारिया।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से किसे पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिला था? सही उत्तर है मोरारजी देसाई। ये पूछा गया था 10+2 2012 में। मूर्ति देवी पुरस्कार किसने शुरू किया? सही उत्तर है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न सम्मान पाने वाले एकमात्र नेता कौन है? सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत। मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में शुरू किया गया था? राजीव गांधी। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? ये भी है मध्य प्रदेश। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये LDC 2005 में पूछा गया था, ये स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में पूछा गया। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राज गोपालाचारी व सीवी रमन। पूछा गया था 2008 में। प्रथम भारत रत्न किसे मिला? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1998। किस क्षेत्र में असाधारण योग्यता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? सही उत्तर होगा विज्ञान। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम सर्वप्रथम किसे मिला था? सही उत्तर होगा श्रीमती देविका रानी रोंगी रोरिंग। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? सही उत्तर होगा पॉल ए सेमुलसन। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर होगा प्रतिभा राय। ये पूछा गया था 2013 में संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा। फ्रेंड्स, आज का जीके क्वेश्चन पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जीके के क्वेश्चन लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।